Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you uses of perfect tense. Perfect tense के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Perfect tense क्या होता है, हमने past, present, future के बारे में ही देखा. अब हम तीनों का देख लेते हैं, present perfect, past perfect and future perfect. सबसे पहले हम देखने वाले हैं present perfect tense के बारे में. तो we use present perfect to talk about things that took place. हम present perfect use करते हैं बात करने के लिए ऐसी चीज़ों को that took place, जो जगह बनाती हैं. कहाँ? Point number one, during a period that includes past and present. जो चीज़ें past में भी included है, present में भी included है, इन दोनों को submerge करके जब हमें कोई sentence बनाना है तो हम present perfect का use करते हैं. They have been waiting her for an hour. वो सारे वेट कर रहे हैं उसके लिए एक घंटे से. ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से सेंटेंस बना, they have been waiting, मतलब पास्ट, एक घंटे पहले भी वेट कर रहे थे और अभी भी वेट किए जा रहे हैं. पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. पॉइंट नंबर टू, इन द पास्ट, पास्ट में हुई है. बट वी आर नॉट सेइंग एग्जैक्टली वैन, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पास्ट में एग्जैक्टली कब हो रहा था. तो ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, जो पास्ट में भी हुआ हो लेकिन हमको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली ये चीज़ें कब हुई थी. तो डोंट टेल मी ही इज बॉट अनदर न्यू कार. डोंट टेल मी, मुझे ये मत कहो, ही इज, उसने बॉट अनदर न्यू कार, उसने एक नया न्यू कार बॉट किया है. नेक्स्ट पॉइंट, इन द पास्ट विथ एन इफेक्ट और रिजल्ट इन द प्रेजेंट. अब ऐसी चीज़ों के लिए भी जो पास्ट में हुई है लेकिन उसका इफेक्ट जो है, उस पास्ट में होने वाली चीज़ों का इफेक्ट, रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में भी दिखाव कर रहा है. पास्ट में हुआ चीज़ें का जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में भी उसका जो है रिएक्शन दे रहा है. तो इसका हम क्या कहेंगे? आई एम अफ्रेड आई हैव फॉरगॉटन माय की. मैं बहुत डर, घबरा रहा हूँ कि मैंने अपना की फॉरगेट कर दिया, मैं अपना की भूल गया. नेक्स्ट, विद द टाइम एडवर्ब जस्ट मीनिंग अ शॉर्ट टाइम. अगर टाइम के साथ अगर आप जा रहे हो, अगर एडवर्ब का हम परफेक्टली यूज करें तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर आप जा रहे हो तो भी हम इसका यूज करेंगे. अमेरिकन इंग्लिश यूजेस पास्ट सिंपल हियर. अमेरिकन इंग्लिश यहाँ पर पास्ट सिंपल यूज करती है. सिज जस्ट गॉन आउट, वो जस्ट गया. यहाँ पर देखो जस्ट का यूज किया गया, एडवर्ब लगा दिया गया, शॉर्ट टर्म पीरियड लगा दिया गया. इस वजह से ये किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा. तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं वन टाइम के लिए. ओके, आप लिख सकते हैं देख के फटाफट. नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर भी लिख लीजिए. तो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद यहां पे प्रेजेंट कंप्लीट होता है. अब हम पास्ट परफेक्ट की तरफ आते हैं. पास्ट परफेक्ट में कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है और उसमें क्या होता है देखते हैं. वी यूज पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट टुक प्लेस. हम पास्ट परफेक्ट ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं. कैसी चीजों के लिए? तो आइए देखते हैं किस तरीके की चीजें होती हैं इसमें. पॉइंट नंबर वन, बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट. बिफोर समथिंग एल्स, बिफोर यानी कुछ होने से पहले, पास्ट में अगर हम कोई चीज बता रहे हैं दैट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट टेंस. आई टुक द डिसीजन आफ्टर आई हैड स्पोकन टू द जॉन. मैंने ये डिसीजन लिया आफ्टर, तब आई हैड स्पोकन टू जॉन, जब मैंने जॉन से बात की तब. उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, ड्यूरिंग अ पीरियड बिफोर एन इवेंट इन द पास्ट. एक ऐसे पीरियड को बताने के लिए बिफोर एन इवेंट इन द पास्ट, किसी पास्ट के इवेंट के पहले. अब इसका एग्जाम्पल आप क्या देंगे? ऑल डे आई हैड बीन फीलिंग नर्वस बट द फीलिंग वैनिश्ड एज सून एज आई सॉ हर. मैं पूरे दिन फीलिंग नर्वस था बट द फीलिंग वैनिश्ड, लेकिन मैं बाद में खुश हो गया एज सून एज आई सॉ हर, जब भी मैंने उसको देखा. तो ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में लिख लेना है. तो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ. फ्यूचर परफेक्ट टेंस
हम किसके बारे में बताने के लिए करते हैं, तो पॉइंट वन, समथिंग डेट विल बी फिनिश्ड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. एक फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम के पहले कुछ चीज़ जो ख़त्म हो जाएंगी उनके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. आई विल हैव साइन नियरली 100 लेटर्स बाई टू नाइट. मैंने आज साइन किया नियरली 100 लेटर्स मैंने साइन किए आज की, सॉरी मुझे आज की रात को 100 लेटर्स के समथिंग लेटर को साइन करना है. ओके, तो इतनी चीज़ें थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. ये चीज़ें भी आपको नोट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक में. तो यहाँ होता है तीनों टेंसेस खत्म. ओके, एग्जांपल्स दिए गए हैं फॉर, सिंस, ऑलरेडी, येट, स्टिल, ऑफन एक्सेट्रा. वी ऑफन यूज परफेक्ट टेंस विद दिस टाइम वर्ड्स. ऑफन हम कैसे यूज करेंगे, नोट इंपॉर्टेंट वेरिएशंस इन दर पोजिशन. वी स्टिल हैवंट हियर्ड फ्रॉम ओल्गा. वी हैड स्टिल नॉट हियर्ड फ्रॉम हर बाय द टाइम इवनिंग अराइव. आई हैवंट हियर्ड अ कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ हर एब्सेंस येट. सी फोन्ड ऑलरेडी. ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको आपको देख लेना है. आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं. प्रेजेंट परफेक्ट ऑफन कॉम्बिंग विथ अदर टेंसेज इन द सेम सेंटेंस. जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी सेम सेंटेंस के साथ कॉम्बिंग करेगा. वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट विथ अदर प्रेजेंट टेंस. हम प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो अदर प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं. कैसे, तो विथ रिपोर्ट, कमेंट, वर्ब्स और फ्रेजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अ रैकन ग्लोरिया हैज बीन हेल्प्ड अप इन ट्रैफिक. डू यू सपोज दे हैव फॉरगॉटन देयर मेन टू बी हर्ड. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स इसको आप देख लेना. यूज इज विथ अदर प्रेजेंट टेंस विथ द फ्रेजेस. फ्रेजेस के साथ भी यूज किया जाता है. दिस इज इट्स, दैट्स द फर्स्ट, सेकेंड, ओनली, एक्सेट्रा, टाइम. दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज बीन लेट. एग्जाम्पल है वो पहली बार लेट हुआ है. इट्स द ओनली टाइम आई हैव एवर रियली गॉट एंग्री विथ हिम. ये पहला टाइम है जब मैं उसके साथ बहुत ज्यादा एंग्री हो गया. अब और कौन से प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होगा, तो व्हेन एन इवेंट इज अनयूजुअल और यूनिक इन योर लाइफ, ऑफन विथ अ सुपरलेटिव एंड एवर और नेवर. एग्जांपल देखें, आई हैव नेवर मीट एनीबडी हु इज सो एब्सेंट माइंडेड. मैंने ऐसा किसी से नहीं मिला जो बहुत ज्यादा एब्सेंट माइंडेड हो. अब प्रेजेंट टेंस के साथ कैसे होगा, वी कॉमनली यूज अ पास्ट टेंस टू रिफर टू समबडी हु इज डेड. जो डैड है उसको हम पास्ट टेंस रिफर करते हैं यूज़ करने के लिए. प्रिंसेस डियाना वॉज द लीस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन आई हैव एवर रीड अबाउट. यहाँ पे बताया गया है पास्ट के बारे में. व्हेन कमेंटिंग ऑन द प्रेजेंट रिजल्ट्स ऑफ द समथिंग इन द पास्ट यूजुअली विथ अपीयर सीन साउंड एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स देखें, ही साउंड्स एज इफ ही वॉज रन ऑल द वे हियर. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, इट सीम्स दे हैव ऑलरेडी डिसाइड विदाउट कंसल्टिंग अस. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं. वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट विथ पास्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट टेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब स्टेट्स और इवेंट्स. स्टेट्स को बताने के लिए, इवेंट्स को बताने के लिए, फंक्शन को बताने के लिए, सेलिब्रेशन को बताने के लिए, जो कहाँ पे अकर हुआ है, पास्ट में अकर हुआ है, और वो परफेक्ट टेंस में भी गिना जाता है. तो यही था प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर के बारे में. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.